ओके स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की। ठीक, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है? इसका लॉ होता है द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेस ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ओवर द सराउंडिंग्स प्रोवाइडेड दैट This excess is small and losses of heat by radiation only. ठीक है, यानी जो rate of cooling है वो directly proportional होता है change in temperature के, excess of heat, और वो जो temperature होता है, जो heat excess होता है वो बहुत ही small होता है, और टोटल जो लॉस है हीट में वो रेडिएशन की वजह से हो रहा हो और किसी वजह से हीट में यानी टेम्परेचर में लॉस नहीं हो रहा हो। ठीक है, उस केस में, ठीक, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि रेट ऑफ हीट की बात हो रही है, रेट ऑफ कूलिंग की बात हो रही है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं रेट ऑफ कूलिंग किसको लिख सकते हैं? रेट ऑफ कूलिंग जो है इज इक्वल टू माइनस ऑफ रेट ऑफ हीट, यानी माइनस डी क्यू ओवर डी टी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? चेंज इन टेम्परेचर यानी हीट के। ठीक है, अब अगर मैं यहां से माइनस डी क्यू ओवर डी टी इज इक्वल टू के थीटा माइनस थीटा नॉट, ठीक है, जहाँ पर थीटा क्या है? थीटा जो है वो टेम्परेचर है सराउंडिंग और सिस्टम यानी बॉडी के बीच का टेम्परेचर है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए माइनस डी क्यू ओवर डी टी जो है उसको हमने, और यहाँ पर के जो है वो एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है। ठीक, क्लियर। अब हम बात करेंगे रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, किसकी बात करते हैं? रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? इसमें भी आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि द रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेस ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ओवर द सराउंडिंग प्रोवाइडेड बाई द एक्सेस ऑफ द टेम्परेचर इज स्मॉल, जहाँ पर टेम्परेचर स्मॉल हो उस केस में, यानी द रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर is directly proportional to the excess of the temperature of the body over the surrounding, and same as the rate of cooling of the body is directly proportional to the excess of the temperature of the body over the surrounding। ठीक है, यानी दोनों ही केसेस में आप वही प्रोपोर्शनलिटी आपकी होगी, यानी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ dQ over, हमने इससे पहले बात करा था स्पेसिफिक हीट की, ठीक है ना, और लेटेंट हीट की बात करी थी, तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं Q is equal to mc d theta। ठीक है, अब अगर मैं इसको टेम्परेचर के टाइम के रिस्पेक्ट में डेराइव जो है डिफरेंशिएट कर लूँ तो mc d theta over dt हो जाएगा। ठीक है ना, और हम जानते हैं जो ये dQ है वो जो है नेगेटिव चेंज ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट ये होता है, और ये वैल्यू हम यहाँ पर अगर पुट कर दें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा k इंटू थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू mc d थीटा ओवर dt। ये हमने यहाँ पर इसको लिख दिया। ठीक, अब डी थीटा ओवर डी टी जो है वो नेगेटिव चेंज हम कहें तो हमारा क्या हो जाएगा? रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक, और यानी यहाँ से देखिए तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? के ओवर एम सी थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू
डी थीटा ओवर डी टी, यानी यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, डी थीटा ओवर डी टी नेगेटिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा नॉट। ये हमको इससे हम प्रूफ भी कर रहे हैं और इसी को हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी कहते हैं। ठीक, यानी कि जो स्टेटमेंट है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का वो क्या है, द रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ओवर द सराउंडिंग। ठीक है, और किस केस में, जब आपका जो थीटा है यानी जो रेज इन टेम्परेचर है, जो एक्सेस इन टेम्परेचर है वो स्मॉल हो, और जो लॉसेज हो रहे हैं उस केस में वो केवल और केवल रेडिएशन की वजह से ही हो रही हो, तभी इसको हम मतलब डिफाइन करेंगे, तभी न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग एप्लीकेबल होगा। ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं कि अगर मैं टाइम और कूलिंग कर्व को ड्रॉ करूं, तो उसमें जो है जैसे जैसे टेम्परेचर, यहाँ से देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जो चेंज इन टेम्परेचर है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कूल होता जाएगा। यानी अगर मैं बात करूँ टेम्परेचर, यानी ये टाइम और ये थीटा है, तो इनके बीच का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आएगा, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज इंक्रीज होगा, थीटा जो है